हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट डिप्रेशन। और बहुत लोगों यहाँ पे जो भी ऑस्ट्रेलिया आते हैं या कोई यूएसए जाएगा या कनाडा जाएगा, सबको थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन फील होता ही है। अगर तुम लोग को लगता होगा कि मुझे तो कुछ होगा नहीं, ये क्या बात कर रहा है, आने के बाद ऐसे ही डिप्रेशन थोड़ी हो जाता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, वैसा तुम लोग को फील हुआ होगा लेकिन तुम लोग को पता नहीं, इसी को डिप्रेशन कहते हैं। ओके, वो मुझे बाद में जाके पता चला। मुझे भी स्टार्टिंग में लगा मैं कहाँ से डिप्रेशन हो सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो बुरा लगा था आने के बाद टाइम पे, लेकिन फिर सोचा हाँ उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ इसको कहते हैं डिप्रेशन। लेकिन अभी जो भी जो जिस जिस लोगों ने ये वीडियो सर्च किया है ना, मानो भाई तुम लोग के साथ जो भी हो रहा है वो सब ठीक होने वाला है। मैं कुछ वो पॉइंट्स बताऊंगा, मैं वीडियो में पहले ही बताता हूँ कि क्या क्या तुम लोग को मैं बताने वाला हूँ, किस किस बारे में, सो तुम लोग को इजी हो कि हाँ ये वीडियो देखना चाहिए कि नहीं, ये तुम्हारे लिए है कि नहीं। बिना काम का किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, वो सीधा सीधा बात है। मैं सीधा ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ, कोई इंट्रो नहीं डालता हूँ, कोई लास्ट का एंडिंग भी नहीं डालता हूँ, किसी का टाइम वेस्ट हो बिना काम का। तो इसलिए मैं पहले बता दूँ कि तुम लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, मैक्सिमम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये कीवर्ड सर्च किया होगा या डिप्रेशन कुछ सर्च किया होगा। ये हर कंट्री में, अगर तुम इंडिया से मान लो बाहर का कंट्री जहाँ फुल्ली इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होता है, वो कंट्रीज़ में अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। मैं ये नहीं बता रहा, जैसे मैं नेपाल से इंडिया गया, मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं उतना फ़र्क पड़ा। मैं वहाँ पे अडॉप्ट हो चुका था, मुझे कुछ स्टार्टिंग में भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं जैसे वेट मैं टॉपिक बोलने वाला था, मैं फिर भूल रहा हूँ। ओके, तो मैंने इधर नोट डाउन किया है कुछ टॉपिक। देखो, होम सिकनेस होता है, वो चीज़ मैं अभी बात करने वाला हूँ, और अपना देश छोड़ के आते हो यहाँ पे, उस बारे में भी बात करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे कितना लोग फाइन पे करता है आते ही, कुछ कुछ गलती हो जाता है, हमको पता नहीं होता है। इवन ट्रेन में, बस में या कहीं पे चढ़ते हुए भी हम लोग अनजाने से कभी कार्ड टैप नहीं करते हैं तो हमको फाइन लग जाता है। और हमारा अर्निंग स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत कम होता है, आते ही हम थोड़ी ना 5,000 USD, 4,000 USD पर मंथ अर्न करते हैं, वैसा थोड़ी होता है। तो उस टाइम पे डिप्रेशन थोड़ा फील हो सकता है कि आते ही इतना पे करना पड़ा, बिना काम का पैसा लग गया, या किसी का साइकिल चोरी हो जाता है या किसी का बाइक चोरी हो जाता है आते ही, जो घर से ही पैसा लेके आके लोग, कितना लोग यहाँ पे बाइक खरीदते हैं, तो उनका कहीं बाइक चोरी हो गया तो तब बहुत ख़राब फील होता है। तो वो सब नॉर्मल है, सबके साथ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इधर बाइक चोरी होता है किसी किसी के साथ ऐसा होता है, वो बोल रहा हूँ। हाँ, यूनिवर्सिटी का प्रेशर हो गया, क्योंकि आते ही कितना बैचलर में डायरेक्ट आते हैं ना, बहुत लोग 12 करते ही सीधा आ जाते हैं, तो उसका मतलब बैचलर का प्रेशर तो थोड़ा होता ही है ना। मैं इंडिया में तो मैं पागल हो चुका था, वो BIT यूनिवर्सिटी, भाई सब लोग नोट डाउन कर लेना, ये यूनिवर्सिटी या ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी जो भी है, उसमें 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, और उसमें भी इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील होता है उसके अंदर, डिप्रेस उसके अंदर भी होता है थोड़ा बहुत। मैं तो छोड़ के भागने का सोच रहा था बीच बीच में, क्योंकि उसमें इतना स्टूडेंट को पेल रहा था, इतना पेल रहा था, मतलब कुछ फैकल्टी भी होता है ना, हमसे प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं करते। अरे मैं फिर टॉपिक के अंदर ही घुस गया। ओके, यूनिवर्सिटी का प्रेशर होता है, कोई कोई फैकल्टी अच्छा नहीं होता है, वो तुमको कुछ ज़्यादा ही पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन खुद भी फील होता है कि हाँ ये फैकल्टी कुछ तो खराब है, ये फैकल्टी में ये ऐसा मार्क्स काट दे रहा है हर चीज़ में। अब जॉब रेगुलरिटी, जॉब का मैं बता दूं कि हाँ आते ही डायरेक्ट जॉब करोगे तो उसमें भी थोड़ा कुछ होगा, मैं बताऊंगा जॉब। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब आते ही तुम्हारा क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई तो खाना ही नहीं पकाया होता है कभी भी लाइफ में कभी भी, वो चाय पकाना, वो नूडल्स पकाना नहीं है, वो खाना पकाना हो, या तुम राइस पका सकते हो तो थोड़ा बहुत हाई लेवल हो गया, राइस पका लो तो तुम सर्वाइव कर सकते हो। और सिकनेस, लोनलीनेस हो गया, सिकनेस हो गया, अकेले रहना हो गया, ये सब चीज़ मैंने जो जो टॉपिक्स बोला ना, इन्हीं टॉपिक्स में से तुम लोग जो भी ये सर्च किया वीडियो, उन लोग इसका शिकार है। ओके, और ये सब तुम कैसे वो करोगे, ठीक करोगे, मैं अभी बताऊंगा यही वीडियो में।
लेकिन बाद में ये मत, तुम लोग ये मत सोचना है ये कुछ भी बोल रहा है, ये करने से नहीं होगा। मुझे हुआ है और कुछ लोगों को ये चीज इस काम किया है, मतलब जो ये चीज इम्प्लीमेंट किया है ना अपने आप में, तो उसको अच्छा लगा है। ओके, तो मैं ये बताने वाला हूँ, ये हर लोग का बस का बात नहीं है होम सिकनेस। ओके, मैं ये बता रहा हूँ कि कोई एज से नहीं होता है, कोई बड़ा या 35 ईयर्स का भी हो गया या 30 ईयर्स का भी हो गया, वो यहाँ पे आएगा उसको अच्छा नहीं लग सकता है, घर का याद आ सकता है। वो नहीं, ये बात नहीं कि बच्चे ही लोग ऐसा करते हैं, बड़ा लोग को भी होता है। वो कभी भी कन्फर्म ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अलग होता है और मैक्सिमम लोग को होम सिकनेस होता ही है, क्योंकि उधर का जो हैबिट उन लोगों को लग चुका होता है, वो 10 साल 15 साल या 20 साल तक अपना कंट्री नहीं छोड़ा, अपना घर नहीं छोड़ा जिसने कभी, उसको अचानक से यहाँ पे आने पे तो होगा ही ना, प्रॉब्लम होगा ही ना, वो तो प्रॉब्लम है ना। वो जो कभी बाहर ही नहीं गया अकेले, तो उन लोग को ऐसे प्रॉब्लम होता है होम सिकनेस। तो कोई कोई रह नहीं पाता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है यहाँ का तौर तरीके और ये सब। तो बेटर है अगर तुम लोग को ठीक नहीं लग रहा है तो रिटर्न जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जिस जिसको होम सिकनेस हो रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं आगे कुछ हो सकता है, तो उन स्टूडेंट्स से मुझे वो रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जो एरिया में हो ना, पहले वो चेक करो कि देखो अपने आदमी का थोड़ा अपनापन होता है ना, तो अच्छा फील होता है। मैं जैसे नेपाल से VIT गया, VIT में गया था, कुछ नेपाली लोग वहाँ पे भी पढ़ रहे थे, तो मुझे कुछ दोस्तों मिला तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ उधर। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट होगा या क्या बोलूँ, सुपर मार्केट सब होता है, उसके अंदर इंडियंस लोग होता है, और कभी कहीं पे तुम्हें नेपाली इंडियन सब सब टाइप का लोग कहीं कहीं पे मिल जाएगा। लेकिन मैं जो एरिया में रहता हूँ, यहाँ मोस्टली चाइनीज़ रहता है, तो एरिया एरिया के हिसाब होता है। जैसे टारनेट में पंजाबी इंडियन सब ज़्यादा होता है, ग्लेन रॉय पे नेपाली लोग होता है, और ये वरुड एरिया में मैंने बोला चाइनीज़ लोग, डैंडीनोंग में मैंने नॉर्थ इंडियन को ज़्यादा साउथ इंडियन को ज़्यादा देखा है, मैंने देखा है। ओके, ये मत बोलना कि हम नॉर्थ इंडियन भी है इधर का भी है, मैंने साउथ इंडियन को ज़्यादा देखा है डैंडीनोंग में। ओके, तो उस हिसाब से होता है। तो तुम वो एरिया में अगर रह रहे हो, अपने थोड़ा बहुत कल्चर वल्चर मिलने का हिसाब से रह रहे हो, तो तुम्हें अच्छा फील होगा वहाँ, उन लोगों से बातें करोगे, टाइम टाइम पे खरीदने जाओगे, तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, उससे तुम्हें मूव ऑन होने में थोड़ा इजी होगा, होम सिकनेस जिसको हो रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से छोड़ो, आप कितना लोगों को कंट्री, अब देसी देश का भी थोड़ा अच्छा वो लगता है ना। जैसे मैं नेपाल में था, मेरा जो एरिया था कुछ काठमांडू के कोई एरिया, उसके अंदर बानेश्वर था, कुछ एरिया था वहाँ पे हम घूमने जाते थे, रोज शाम को चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीते थे, ऐसे घूमते थे। तो वो आदत तो छूट चुका है यहाँ आने के बाद, तो कहाँ गया वो, कहाँ मैं हूँ वैसा, तो वो सब छूट जाता है। तो वो सब छूट जाने के बाद तुम कैसे उसको ओवरकम करोगे, मतलब कैसे मूव ऑन करोगे यहाँ पे आके। तुम लोग का अपना कंट्री छूट गया, सब कुछ छूट गया, बस घर का याद नहीं, देश का भी आता है, अपना वो रहने वाला प्लेस का भी आता है, गली गली का भी मेमोरीज तुम्हारा सर में घूम रहा होता है। तो उसको भी तुमको थोड़ा आगे बढ़ना होगा। देखो तुम लोग यहाँ पे आए हो कुछ नया करने के लिए, बाकियों से कुछ अलग करने के लिए। ओके, मेरा कहने का मतलब, तुमने यहाँ पे आ गए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, कोई भी ओवरसीज अच्छा कंट्री में तुम पहुँच गए, जो टॉप 10 में लिस्टेड है या टॉप 20 में लिस्टेड है, तो तुम भाई तुमने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। ओके, वहाँ पे पहुँच गए मतलब अचीव कर लिया, समझ रहे हो। आखिर में तुम्हारा सैलरी कैसे भी सबसे आगे होगा जो तुम्हारा कंट्री में है, और आखिर में तुम बाकियों से ज़्यादा अर्निंग करोगे, और तुम्हारा लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडर्नाइज तो होगा ही, सब कुछ तुम्हारे पास होगा, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो वो सब करने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए। तो तुम कुछ मिल रहा है ना तुमको, तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना, वो सब तो तुम्हें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ये सब। तो उसी के हिसाब से अब मैंने वो बोला, ओके, ऑफ कंट्रीज, तो तुमको ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि ये सोल्यूशन तो बता नहीं रहा, ये तो ऐसा ही बोल रहा है, नहीं, हमको समझने की बात है ये। अगर हम समझ गए ना, तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि देखो तुम स्टार्टिंग में अर्निंग करना स्टार्ट करो यहाँ आने के बाद। जॉब वॉब में जाओ, जॉब नहीं मिल रहा है तो देखो, वो Seek.com है ना, मैंने वहीं से अप्लाई किया था, कोल्स का, जहाँ जहाँ पे जो जो शॉप में मैं जाता था, सबका वेबसाइट ओपन कर लेता था, उसमें करियर का कुछ होता है ऑप्शन जॉब्स के, उसमें अप्लाई मार के अपना रेज्यूम डाल देता था,
वो जितना भी जो भी मिले, मैंने शायद 20-25 रेज्यूम चारों ओर डाल दिया था, तो मुझे कॉल्स भी आए उसके हिसाब से, समझ रहे हो? तो वैसा आता है, जो लोग फेसबुक में ढूंढते हैं, जो लोग फोन करके प्लीज मुझे रेफर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो काफी टाइम लगता है। वो क्या गारंटी है उसके पास जॉब अवेलेबिलिटी है या नहीं? वैसे में बहुत दिमाग खराब होगा ना। तुम तो वेबसाइट में क्लिक वो सबमिट करोगे ना, वो प्रोफेशनल वो है, उससे ज्यादा जॉब मिलता है। मैंने अभी तक जितना भी 2-3 या मैंने 5-6 जॉब चेंज मार के इधर उधर किया, क्योंकि मुझे जो अच्छा लग रहा था मैं उसमें ट्रांसफर होते गया, इधर से छोड़ा उधर गया, उधर से छोड़ा इधर गया, लास्ट में जो सही लगा उसमें कॉन्स्टेंट हो गया, समझ रहे हो? तो उसके हिसाब से ऐसा करना है। कभी अपने आप को कम मत समझो, वो वेबसाइट्स वगैरह बहुत ट्रस्टफुल होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो जितना हो सके आगे अप्लाई मारते जाओ। क्या होता है कभी कभी तुम्हारा वो रेज्यूम नहीं देखता है, वो ऐसा ही स्किप कर देता है, उन लोगों को आदमी मिल गया तो वैसा ही होता है। तो आगे 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 जितना होगा वो मारो। इसी के वजह से भी बहुत लोग डिप्रेस होता है जिसको जॉब नहीं मिलता है आते ही, लेकिन मिल जाता है अगर तुम्हारे पास ड्राइविंग स्किल्स है तो मारो। ऊबर, ऊबर हो गया, डोरडैश हो गया, मैनू लॉग हो गया, फूड डिलीवरी जॉब्स तुम्हारे हाथ में है ना, किसी को रिक्वेस्ट थोड़ी करना है मेरे जॉब लगा दो, आते ही उसमें मारो। 200-300 AUD तो हफ्ते में आराम से बना लोगे, और वो अपना रेंट उंट खाने वाना सब हो गया उससे। तो वही बात बोल रहा हूँ, आने के टाइम पे थोड़ा स्किल्स लेके आना अपने साथ। ये नहीं वहां जाके सीख लूंगा कार, वहां जाके सब कर लूंगा, इधर थोड़ा पैसा लगता है कार सीखने का, एक घंटे का $60-70 लेगा, वो हमारे कंट्री में 6-7 हज़ार होता है एक घंटे का वो हिसाब से। तो तुम्हारा कंट्री का पैसा इधर लगाओगे ना तो बहुत खराब फील होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वहीं पे कार में एक्सपर्ट होके आओ या बाइक चलाने में एक्सपर्ट होके आओ, तो इधर फायदा है, आते ही तुम्हारे हाथ में जॉब होगा। एक ऐप में साइन अप करो और स्टार्ट कर दो फूड डिलीवरी, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो उतना कुछ हो जाएगा ना। मैं तो आया, मुझे आते ही मेरे टाइम पे ये कोल सुपरमार्केट, ये जो भी ग्रोसरी शॉप्स है ना, बड़ा बड़ा सुपरमार्केट, वो सब फ्री था, सब खाली था, सब में कंप्यूटर पे काम करने वाला जॉब सब अवेलेबल था, तो मुझे मिल गया उस हिसाब से। तो वही बात मैं बोल रहा, अब हो गया यूनिवर्सिटी प्रेशर में बोल दिया, जॉब का भी बोल दिया, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आते ही तुम लोग को खाना पकाने में राइस पका लेना चाहिए, दाल पकाना आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में राइस पकाना बहुत ही ईजी है। तो ऐसा सीख लेना, सीख लोगे तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। और चिकन पकाना सीख लेना और राइस पकाना सीख लेना, क्योंकि चिकन में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो उससे भी तुम्हें, मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे चिकन ही खा गए वो लोग, लाइफ होल लाइफ चिकन खा रहे हो वो सब्जी वब्जी कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन चिकन ही बेस्ट, उन लोग को कुछ नहीं हुआ है बॉडी में, पता नहीं चिकन खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, बॉडी में कुछ असर ही नहीं हो रहा है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है उन लोग का, तो वो अच्छा है सर्वाइवल के लिए। एटलीस्ट इतना सीख के आओ, मैं वो बोला चिकन पकाना सीख लो, राइस पकाना सीख लो, उतना शायद मुझे लगता है चिकन थोड़ा इजी ही होता है पकाने में। और हो गया लोनलीनेस, ओके, तुम आते ही कोई दोस्त तो नहीं मिलता है बात करने के लिए, बहुत फील हो रहा होगा अभी जो जो नहीं आए यहाँ पे, ओके, मैं भी यहाँ पे आया था, मैं अकेला था, मैं यहाँ पे आया और मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं था, मैं सोच रहा था किससे बात करूँ, और मैं ये भी सोच रहा था मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ किससे बात करूँ, मुझे बहुत लोनलीनेस फील हो रहा था। तो मैंने क्या किया, एक टीवी खरीदा, टीवी में मूवीज देखने लगा, अपने आप को उसमें फोकस कर दिया, मतलब घर में भी थोड़ा बहुत आदत था ना, तो टीवी वीवी देखने पे थोड़ा अपना घर का भी थोड़ा बहुत याद आता था, तो कोई बात नहीं क्या हो गया, लेकिन एटलीस्ट अपना टाइम स्पेंड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए मेरे पास टीवी तो था ना, मतलब लैपटॉप होता है सबके पास, लेकिन क्या है टीवी रखने पे ना सामने तुम्हारे पास रिमोट होगा, ओपन करोगे उसमें जो चलेगा देखोगे, तुम्हारा टाइम पास थोड़ा बहुत होगा और मन भी लगा रहेगा। वो एक आइडिया था मेरे लिए, शायद तुम लोगों में वो काम करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। तुम लोग अपने आप को थोड़ा बहुत बिजी रखना कहीं ना कहीं, चाहे मूवी देखने में बिजी रखो या बाहर घूमने में बिजी रखो या कोई जॉब में चले जाओ। मैं जॉब में जाता था तो मुझे कोई लोगों से मैं बातें करता था, हेलो हाउ आर यू ऐसे वैसे करके या सी यू ऐसे वैसे, इतना तो होता ही है, हर आदमी से इतना बात होता है, थोड़ा बहुत उनसे कम्युनिकेट करो, अगर वो बोला ना चाहे ना फिर भी पकड़ के बात करो मुझे उसे, समझो, समझ रहे हो? मैं कभी कभी ऐसे ही पूछने लगता हूँ, मुझे कुछ बात तो करने का मन था ना, तो मैं पूछने लगता हूँ हाउ कैन वी डू दिस, हम इसको कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत पूछ लेता था, तो वो लोग और खुश होते थे हमको सिखाने में, समझ रहे हो? तो उन लोग को अच्छा लगता था, तो उन लोगों से हमारा बॉन्ड अच्छा होता है। तुम चाहे उन लोगों को सामने थोड़ा ऐसे
थोड़ा झुक जाओ, कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा उन लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करो तुमको आता नहीं है, तो वो लोग तुमको सिखाएंगे, तो तुम सीखो तो थैंक यू बोलो, वो ही बोलेगा, अच्छा फील होता है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, तो वैसा होता है। तो वही यहाँ पे आके थोड़ा बहुत लोगों से बातें करना ट्राई करो, और वही ये आइडिया बेस्ट है, कुछ सीखने के लिए किसी से पूछ लो तो उससे तुम्हारा बात करना स्टार्ट हो जाएगा, वो खुद तुमसे बात करने लगेगा। लोनलीनेस का भी मैंने अभी बात किया, और लास्ट में मैं सीधा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं ये बताने चाहता हूँ, अभी जो भी ये वीडियो जिसने सर्च किया है ना भाई, तुम लोग अगर ऑस्ट्रेलिया में अभी हो और तुम लोग को स्टार्टिंग में ऐसा ही फील हो रहा है, 2-3 हफ्ते 1 महीने सबको होता है, सबको ही होता है, सबको डिप्रेशन फील होता है इधर, अगर तुम दोस्त के साथ हो तो शायद नहीं होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा, कोई बात नहीं, अगर तुम अपने फैमिली जो रिलेटिव से उनके साथ आए हो तो उस टाइम पे नहीं हो सकता है, ठीक बात है, वैसा आना चाहिए, अगर तुम अकेले हो तो 100 या 200% मैं बोल दूँ तुम्हारे साथ वैसा होगा, अगर तुम्हें लग रहा है हाँ मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को मूव ऑन होने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो तुम ये भी सोच सकते हो कि हाँ मैं शायद दूसरा कैटेगरी में पढ़ता हूँ, जिसको अभी तक अपना ही कंट्री में ज़्यादा रहा था, मुझे ये सब हो नहीं पा रहा है, मैं किसी किसी को देख के मैं पता करता भी हूँ कि हाँ ये आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा है इधर, उन लोगों को हेल्प करना चाहिए, वैसा करके जो भी लोग ये देख रहे हैं ना, जो ऑलरेडी यहाँ पे मतलब सेटल हो चुके हैं अच्छे से, मतलब सबका सब कुछ सही है, तो तुम दूसरे को भी हेल्प करो, जो भी मिलता है ना तुम्हारा दोस्त हो या जो भी इधर आ चुका है, उन लोगों को तुम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का ट्राई करो, देखो जितना नेटवर्क बनाओगे ना, आज तुमने उसको हेल्प किया, वो बाद में जाके वो तो कमाएगा ना, तो फ्यूचर में वो तुम्हें हेल्प कर सकता है, तुम्हें टाइम पे तुम अपना नेटवर्क बना रहे हो ना, तुम्हारा फैमिली एक्सपांड हो रहा है इधर, तुम कभी ये मत सोचना कि यार इससे क्या ही होगा, मैं आज हेल्प कर दिया कल ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये क्या हेल्प करेगा मेरे को, वो ऐसा कभी मत सोचना, कोई भी आदमी किसी से कम नहीं, आज मैंने इसको हेल्प किया कुछ दिनों के बाद वो मेरे को हेल्प करेगा, टाइम आ जाता है, सबका टाइम आता है, तुम्हारे पास आज फुल बैंक अकाउंट में पैसा है, एक दिन तुमने यूनिवर्सिटी में पूरा पैसा पे कर दिया, अब तुम्हारे पास $0 है पूरा, और तुम्हारा सैलरी आने वाला है 2 हफ्ते बाद, तो तुम क्या करोगे, उस टाइम पे तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है, और तुम जितना भी फेक टाइप का फ्रेंड्स है, तुम अब होता है ना हाय हेलो वाला फ्रेंड सब, वो लोग शायद तुमको हेल्प ना कर सके, बहाना बना दे उस टाइम पे, लेकिन तुमने जिस फ्रेंड को हेल्प किया था ना स्टार्टिंग में आते हुए, उससे तुम मांगो भाई अभी का अभी वो तुम्हें बैंक ट्रांसफर करके अभी का अभी तुम्हें पैसा देगा, और तुम उसको 1 मंथ बाद दे दो, तो वही होता है, तो मैं एक सिनारियो बता दिया कि क्या हो सकता है तुम्हें फ्यूचर में, ऐसा वैसा बता दिया, क्या पता कोई एक्सीडेंट में पड़ गए, तो तुम्हें कोई तो आदमी चाहिए ना हेल्प के लिए, तो फ़ोन करो, वो उसके पास गाड़ी होगा उस टाइम पे, वो आएगा वो तुम्हें हेल्प करने के लिए, तो वो जाहिर से बात है यार, मेरे को भी जिसने अभी तक हेल्प किया है ना स्टार्टिंग में, मैं अपना फुल इफोर्ट दूंगा जिसने मेरे को हेल्प किया है, अपना गाड़ी ही मैंने क्यों ना ले लिया, मैं इस गाड़ी के हिसाब से भी मैं उसके हेल्प करने का लायक हूँ, कि हाँ उसको कुछ काम आए तो मैं फटाक से चला जाऊँगा हेल्प करने के लिए, चाहे मुझे जॉब से कुछ देर के लिए छुट्टी क्यों ना लेना पड़े, वो सब समझते हैं मैनेजर सब यहाँ का अच्छा होता है, तो लास्ट में मैंने यही बोला कि एक दूसरे को हेल्प करो, देखो जो ऑलरेडी यहाँ पे सेटल है वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ उन लोगों को भी हेल्प किया करो, कभी किसी को कम मत समझना, कल वो भी जॉब करके आगे बढ़ जाएगा, वो भी 7,000-8,000 AUD पर मंथ भी कमा सकता है, यहाँ पे फुल वर्क राइट्स डिजीज का होता है ना, उस टाइम पे वो लोग 6,000-7,000 भी अर्न कर रहे हैं, मैं उन लोगों से बता किया, लेकिन मैं तो 5,000 ही कर पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं कर पा रहा हूँ, सबका अपना अपना होता है, सबका अपना अपना वो होता है, कोई अगर हाँ अगर तुम लोग यहाँ पे आते ही $2,000 पर मंथ अर्न कर रहे हो, या आगे भी तक तुम लोगों को ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप को जज मत करना, क्योंकि जो जैसे मेरे को 5,000 AUD पर मंथ हो रहा है ना, या 4,000 AUD, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, मुझे जो पेमेंट मिलता है ना वो सैटरडे संडे डबल पेमेंट मिलता है, उसके हिसाब से होता है, अगर तुम लोग दिमाग लगा के अरे ये इतना मार रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरा हेल्थ थोड़ी ख़राब होगा, इतना पैसा कैसे वो बना रहा है, मैं भी बना सकता हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे तुम अगर वो सोच के मेरे हिसाब से करोगे ना, तो तुम लोग हो गया भाई हॉस्पिटलाइज्ड उसके बाद,
वो दिमाग लगाओ कि लोग इतना अर्न कैसे कर रहा है, उन लोग का पे रेट ज्यादा है, वो लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे, उन लोग का पे रेट ज्यादा होता है, समझो। तुम लोग जो सैटरडे संडे बोलते हो ना इंजॉय करना चाहिए 1-2 दिन, वो ठीक है, लेकिन अभी स्टूडेंट के हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा वो कर रहे हैं तो सैटरडे संडे हमारे लिए बेस्ट डे है अर्निंग के लिए। वो 2 दिन अगर काम किया तो हफ्ते भर का पैसा 2 दिन में निकाल सकते हैं। तो वही बात मैं अभी बताने वाला था, जो जितना भी अपने आप को जज कर रहे हैं, बी बी क्लेवर इन दिस थिंग, वही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, डिप्रेस मत होना अगर उतना ही कुछ इशू हो रहा है ना, जो भी यहाँ पे मेलबोर्न पे रहते हैं वो मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये पाइनवुड इधर है, पाइनवुड का कोल सुपर मार्केट, मेरा सुबह सुबह यहाँ पे जॉब होता है। मैं ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, ये 3 दिन मेरे यहाँ पे काम होता है। पाइनवुड कोल्स, पाइनवुड का कोल्स, पाइनवुड वाला, ओके पाइनवुड लिखना। तो वहाँ पे आओ, मेरे से बात करो, मैं तुम्हें टाइम दूंगा। मतलब मैं भी चाहता हूँ किसी को हेल्प करूँ, जिसके जिसका कोई भी नहीं है जान पहचान का, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं, वो मेरे से बात करें। मैं जॉब के लिए नहीं बोल रहा, जॉब के लिए वैकेंसी नहीं है अभी, अभी पूरा जॉब वैकेंसी गायब है, खत्म है, मतलब कोल्स में खत्म है मेरा जो भी है इधर। तो उस हिसाब से मत आना, अगर तुम लोग को डिप्रेशन फील हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मेरे से बात करना आके। मैं तुम लोग को जो हो थोड़ा फ्रेंड की तरह होता है ना, हम बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कभी भी वो मत करना, अपने आप को मेरे से बात करना होता, शर्माना मत, आ जाना चुपचाप बात करना। भैया मैंने आपका वीडियो देखा था, या आपका मैंने ये देखता हूँ वीडियो, ऐसे बोल देना, मैं बात कर लूंगा, कोई बात नहीं। मैं किसी को भी खराब नहीं समझता। और हाँ, कोई ये भी आदमी से तुम लोग अगर बात कर रहे हो तो उन लोगों को कभी वो मत करना, जैसे देखो हर स्किन टाइप का कलर का आदमी होता है, कोई देखने में बहुत अच्छा होता है, कोई अगली होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है। तो हर आदमी से प्यार से बात करो, इधर इधर हर आदमी अच्छा है, ओके। इधर तुम्हें हर टाइप का ऑस्ट्रेलियन मिल जाएगा, हर आदमी को वैसे ही ट्रीट करो, तो वो लोग भी तुम्हें अच्छा से ट्रीट करेगा। और दोस्त बनाते हुए वक्त कभी भी ये मत सोचो कि ये ऐसा दिख रहा है और ये पढ़ने में भी कुछ नहीं है, इससे मैं दोस्ती करके क्या फ़ायदा है, ऐसा कभी मत करना। वही दोस्त लास्ट में जाके तुम्हें बहुत काम आएगा और ऐसे ऐसे सिचुएशन से तुम्हें बचाएगा ना, तुम लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है या हर चीज़ में अच्छा नहीं है कह के वो दोस्त, उसको दोस्त नहीं बनाना या निगलेक्ट करना, इग्नोर करना बहुत ख़राब बात है। वो फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज़्यादा ही फील होगा ये चीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, और आई होप आज का वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्प मिला होगा। और मैंने तो बोला है, आके मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से मिल सकते हो, मैं अच्छा ही फील करूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है।